हम लोगों के तो हमें तो क्या चाहिए, बस अच्छी सी गार्डन सर्वाइव चले, वो सर्वाइव करे गार्डन, मतलब यहाँ पे जो जो मिलना चाहिए सरकार से फैसिलिटी वो सब मिलना चाहिए, केंद्र जो सरकार या राज्य सरकार से। हाँ केंद्र, हम दोनों ही सरकार से कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें, मुझे तो लगता है कि दोनों से अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। मतलब अब हम चाहते हैं कि गार्डन अच्छे हो, गार्डन का जो वेजेस्ट है वो अच्छा हो जाए, उसका उसके लिए भी सोचना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि आप लोग सीधी से बात है, आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे 250 तो आप टिप्स भी दे के आएंगे, आप कुछ भी खाएंगे 250 या 500 से ऊपर तो आप टिप्स ही देंगे। मतलब हम लोगों को तो यहाँ पे 250 पे 8 आवर्स काम करना पड़ता है, वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, एक मतलब हमें 15 दिन वेट करना पड़ता है। हैप्पी वैली दरअसल 1854 में इस्टेब्लिश हुआ सबसे पुराना टी गार्डन है, सबसे ओल्डेस्ट टी गार्डन है और सबसे हाईएस्ट एलिवेशन टी गार्डन है, 6,700 फीट अबव द सी लेवल है। यहाँ पर काम करने वाला श्रमिक लोग हमारा 200 करीब है और उसमें प्लस 50 स्टाफ सब स्टाफ है, मिला जाए तो 250 वर्कर्स प्लस स्टाफ सब स्टाफ है। लेकिन एब्सेंटिज्म परसेंटेज अभी बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया है उस, क्योंकि ये बगान जो है दार्जिलिंग मेन टाउन से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, इसीलिए एब्सेंटिज्म परसेंटेज में 55 से 60% एब्सेंट हो रहा है अभी हमारा। इसीलिए चाय का जो क्वालिटी, जो हम लोग हैप्पी वैली बोल के पहले जो क्वालिटी था वो क्वालिटी प्लक नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द लेबर शॉर्टेज। लेबर की अगर बात करें, हम जिस तरह से देख रहे थे पहले, जिस तरह से यहाँ पे इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए थे, लोग यहाँ पे काम से जुड़े हुए थे, क्या अभी क्या उस हिसाब से लोग आ रहे हैं, क्या नेक्स्ट जनरेशन इस काम के साथ जुड़ रहे हैं? देखिए अभी तो जो है क्योंकि एजुकेशन लेवल इतना बढ़ गया है चाय बागानों में, ज़्यादातर वर्कर्स उनका बेटा बेटी को अभी चाय बागान में घुसाना नहीं चाहते, एवरीबॉडी वांट्स व्हाइट कॉलर जॉब्स अभी, तो इसीलिए अभी दूसरा जेनरेशन आना थोड़ा काफ़ी मुश्किल ही दिखाई दे रहा है मुझे।